यहाँ भी चल रही है मेरे साथ। हम इस घर में नहीं रहेंगे जहाँ हमारी कोई जरूरत नहीं है। ये घर अब हमारा नहीं है। आप अपना बैग पैक कर लीजिए, मैं भी अपना बैग पैक कर लूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा, न तुम न तुम्हारी मम्मी। मैं तो जाऊंगा और मेरे साथ मम्मी भी जाएगी। आपका ही बेटा हूं ना। तो ठीक है, तुम जाओ, लेकिन तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। मैं जाऊंगी तेरे साथ सागर, वो अपना सामान पैक कर ले। ये घर गृहस्थी, हमारा रिश्ता, परिवार, सब कुछ छोड़ के तोड़ के चली जाओगी तुम? मैंने तो सब कुछ जोड़ के रखा था, आपने सब कुछ तोड़ दिया। हमारा रिश्ता, विश्वास, प्यार, सब कुछ खत्म कर दिया। इतनी छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा, वो मेरे बीते हुए कल की बात है माधवी। हाँ, मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम्हारे मेरे जिंदगी में आने से पहले सब कुछ खत्म हो गया था, और हमारी शादी के बाद मैंने कभी भी अतीत की तरफ मुड़कर नहीं देखा। लेकिन जोया, जोया तो उसी अतीत का जीता जाता हिस्सा है ना, जिसे आपने हमारे बरसों के रिश्ते के ऊपर चुना है। मुझे अपना जीवन साथी बनाने से पहले एक पल के लिए भी आपने ऐसा नहीं सोचा कि मुझे ये बात पता होनी चाहिए थी। जोया के बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानता था माधवी। अम्मा जी ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, उसके लिए तुम अपने परिवार को सजा मत दो माधवी। बहुत आसान है आपके लिए कहना, पर अपने उसी अतीत को आप खुद इस घर में ले आए। क्या चाहते कि मैं अपनी आंखों के सामने आपके अतीत को देखूं, हर वक्त हर पल? उसे ये नहीं होगा, और ना ही ये मैं करना चाहती हूं। माधवी, हाथ मत लगाइए मुझे। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, अपने साथ भी ज्यादती कर दिया। क्या हाथ बना दिया तुमने अपना। माधवी, सिर्फ दो या तीन साल की बात नहीं, 31 साल का रिश्ता है हमारा। इसी बात का तो दुख है कि हमारे 31 साल के साथ को भूलकर आप अपने अतीत का साथ देना चाहते। मैं हमारे रिश्ते को भुला के या अनदेखा करके कुछ नहीं। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी। तो तुमने तय कर लिया है कि तुम सब कुछ छोड़कर चली जाओगी? हाँ। अरे बुढ़बा, हम अंग्रेज थोड़े ही ना है जो अंग्रेजी पिएंगे। हम तो देसी है, देसी पिएंगे। ले, तेरे लिए भी है। आज मैं देसी नहीं पी सकता। मुझे जब मैं देसी पीता हूँ तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। I'm sorry. अरे तेरी छोटू। अरे श्याम। यस सर। वो कुछ लोग मिलने आने वाले थे, मुझे पहुंचे नहीं पता। अभी तक तो कोई नहीं आया सर। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो, अरे चाचा क्या बात है, कहाँ जा रहे हो सच धस के? अरे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। अरे वाह चाचा, तुम्हें भी शादी के जाने का शौक है? शादी में केवल दुल्हन देखने का शौक है बेटे, ताकि ये पता लग जाए किसके मोबाइल में नया सिम डल रहा है और किसकी बैटरी लो होने वाली है। देश की महान गायिका कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के पिता श्री राजाराम गायकवाड़ के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत हो रही है।
श्री राजाराम गायकवाड़ ही वो व्यक्ति थे जिनसे उनकी दोनों बेटियां कल्याणी और केतकी ने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। महान कलाकार श्री राजाराम गायकवाड़ का आभार पूरा देश मानता है, जिनकी वजह से इस देश को कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के रूप में दो अमूल्य गायिकाएं मिली। पहले राजाराम गायकवाड़ संगीत सम्मान से खुद कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री को सम्मानित किया जाएगा।